नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन है, इन 1 ग्राम ऑफ सैंपल CaCO3 वाज स्ट्रॉन्गली हीटेड एंड लिबरेटेड ऑफ CO2 लिबरेटेड। CaCO3 है, इसको हीट किया जाता है तो ये कन्वर्ट किस में होता है, लाइम सोडा एंड प्लस CO2 में। नाउ द CO2 इज लिबरेटेड वाज एब्जॉर्ब इन 100 ml ऑफ 0.5 NaOH सॉल्यूशन, एज्यूमिंग 90% प्योर ऑफ द सैंपल, हाउ मेनी ml ऑफ 0.5 MHCl वुड बी रिक्वायर्ड टू द रिएक्ट विद रिजल्टिंग सॉल्यूशन टू रीच द एंड पॉइंट इन प्रेजेंस ऑफ फिनोफ्थेलिन। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका कितना, 1 ग्राम है, वो भी सैंपल है, उसकी प्योरिटी कितनी है 90%, देन 1 × 90/100 ग्राम दैट इज 0.9 ग्राम ऑफ CaCO3, द नंबर ऑफ मोल्स इज 1/100। तो क्या CO2 के भी मोल्स जो होंगे वो यही होंगे, 9 × 10⁻³ मोल्स, राइट। अब ये इतना लिबरेट हुआ, वो एब्जॉर्ब हुआ किसके द्वारा, 100 ml ऑफ 0.5 NaOH। यहां पे NaOH के साथ इतना, ये जो है CO2 के मोल आए वो रिक्वायर्ड है, किसमें एब्जॉर्ब हुआ वो 100 ml ऑफ 5 तो नंबर ऑफ मोल जो है CO2 का कितना आ गया, 9 × 10⁻³ ये एब्जॉर्ब की गई है किसके द्वारा, NaOH प्लस CO2 के, और ये कन्वर्ट हो रहा है NaHCO3 में, ठीक है। तो यहां पे मोल्स पता है, अब NaOH के कितने हैं, 0.5 × 100 × 10⁻³ इज मोल, तो यहां पे आंसर कितना आएगा, 50 × 10⁻³। अब यहां पे ये CO2 के कितने मोल है, 9 × 10⁻³, तो इसका मतलब जब ये रिएक्ट करेगा तो यहां 41 × 10⁻³, यहां 0 और यहां जो बनेंगे वो बनेंगे 9 × 10⁻³। यहां तक ये हो गया, फिर वुड बी दी HCl, हाउ मेनी ml ऑफ HCl 0.5 MHCl वुड बी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विद द रिजल्टिंग सॉल्यूशन रीच द एंड पॉइंट इन प्रेजेंट ऑफ फिनोफ्थेलिन। आप देखो अगर फिनोफ्थेलिन नहीं दिया होता तो HCl मेरा इसके साथ भी रिएक्ट करता और इसके साथ भी रिएक्ट करता, राइट। मेन जो है ये का वर्क कर रहा है यहां, फिनोफ्थेलिन इज प्रेजेंस ऑफ इन प्रेजेंस ऑफ HPH यानी कि फिनोफ्थेलिन, नो इन प्रेजेंस ऑफ फिनोफ्थेलिन। तो यहां पे फिनोफ्थेलिन की प्रेजेंस में हमें पता है कि जो NaOH है वो तो रिएक्ट कर लेगा इसके साथ, HCl के साथ, और NaCl प्लस H2O का फॉर्मेशन करेगा, राइट।
लेकिन यहाँ पे NHCO3 का फॉर्मेशन भी हुआ, वो HCl के साथ रिएक्ट करेगा क्या फिनोफ्थेलिन के? नहीं, उससे पहले ही फिनोफ्थेलिन अपना कलर चेंज कर देगा और हमें इंडिकेट कर देगा कि हमारी जो रिएक्शन है वो कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाली नहीं हुई, इसका मतलब इसकी जो मोल्स हैं वही हमारे HCl के मोल्स के साथ रिएक्ट किए होंगे। तो हम ये बोल सकते हैं कि इक्विवेलेंट ऑफ NaOH इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ HCl। इक्विवेलेंट इज 41 × 10⁻³ इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ HCl कितना है 0.5 मोल। 0.5 इज मोलरिटी इन वॉल्यूम इज बी, ये जो आएगा वो अभी लेटर में आएगा। तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा 41 ÷ 0.5 × 10⁻³⁻³ इन ml में कन्वर्ट करने के लिए इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो वॉल्यूम जो आएगा इन ml इज 22 ml, यानी कि सी ऑप्शन इज करेक्ट।